नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे कर्नाटक में स्थित सिटी ऑफ पैलेस यानी कि महलों की नगरी मैसूर के बारे में। तो चलिए जानते हैं मैसूर में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है रन्नाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। तकरीबन 70 स्क्वायर किलोमीटर में फैली यह खूबसूरत जगह श्रीरंगापट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित है, जो मैसूर आने वाले पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। पर्यटक यहाँ पर सारस, हवासील, श्वेत आइबिस, स्पूनबिल जैसी पक्षियों की विविध प्रजाति देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहती कावेरी नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। यह खूबसूरत अभयारण्य सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर 9 पर है सैंड स्कल्पचर म्यूजियम। यह भारत का सबसे पहला रेती से बनी मूर्तियों का म्यूजियम है, जो चामुंडी हिल्स के पास में ही स्थित है। तकरीबन 13,500 स्क्वायर फीट के विशाल क्षेत्र में फैले इस म्यूजियम को M.N. गौरी द्वारा बनवाया गया था, जो पर्यटकों के बीच में कला का एक शानदार नमूना पेश करता है। यहाँ पर सिर्फ पानी और रेत से बनी 150 से भी ज्यादा मूर्तियां रखी गई है, जो मैसूर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 8 पर है सोमनाथपुरा टेम्पल। यह एक काफी पुराना वैष्णव हिंदू मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर प्रसन्ना चिन्ह केशवा और केशवा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर आने वाले पर्यटक इस मंदिर की आध्यात्मिकता और सुंदरता देखने जरूर आते हैं। यह मंदिर सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नंबर 7 पर है रेलवे म्यूजियम। मैसूर की यह शानदार जगह रेलवे प्रेमियों के लिए एक खास जगह है, जहां पर मैसूर के महाराजा के शाही कोच और भारत में बने सबसे पहले स्टीम इंजन को देखा जा सकता है। साथ ही साथ पर्यटक यहां पर रेलवे के प्रसार और विकास को देख सकते हैं। रेलवे के बारे में जानकारी देने के साथ साथ यहां पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी रखी गई है, जो पूरे म्यूजियम का चक्कर लगाती है। सोमवार को छोड़कर हर दिन यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। नंबर 6 पर है चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स यहाँ पर बने चामुंडा देवी मंदिर की वजह से काफी लोकप्रिय है, जो हिंदू देवी माँ पार्वती का एक अवतार माना जाता है। चामुंडा देवी मैसूर के शाही वाड़ियर परिवार की देवी हुआ करती थी। इस खूबसूरत मंदिर के ठीक सामने महिषासुर की प्रतिमा को भी देखा जा सकता है। चामुंडा देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 2 और दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। चामुंडा देवी मंदिर के अलावा चामुंडी हिल्स पर 5 मीटर ऊंची नंदी की प्रतिमा को भी देखा जा सकता है। नंबर 5 पर है जगमोहन पैलेस। जगमोहन पैलेस मैसूर के सबसे भव्य महलों में से एक गिना जाता है, जो मैसूर के शाही वाड़ियर परिवार द्वारा बनवाया गया था। जब पुराना लकड़ी का शाही महल जलकर नष्ट हो गया था, तब नया महल बनने तक यह शाही परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ एक पवेलियन भी मौजूद है, जो दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ पर्यटक यहाँ पर आर्ट गैलरी को भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर है सेंट फिलोमिना चर्च। महाराजा कृष्णराज वाड़ियर द्वारा निर्मित यह खूबसूरत चर्च ख्रिस्ती धर्म के लोगों का काफी पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, जो सेंट जोसेफ चर्च के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर के इस खूबसूरत चर्च को न्यूयॉर्क के सेंट पैट्रिक चर्च का प्रतिरूप माना जाता है, जहाँ की गौथिक वास्तुशिल्प शैली देखने को ही बनती है। यह खूबसूरत संरचना मैसूर आने वाले पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है।
नंबर तीन पर है मैसूर जू। तकरीबन 250 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस खूबसूरत जू को भारत के सबसे शानदार जू में गिना जाता है, जहां पर स्तनपाई, सरीसृप और पक्षियों की विविध प्रजाति देखी जा सकती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह एक खास जगह है, जो चम राजेंद्र जियोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो पर है वृंदावन गार्डन। तकरीबन 60 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह मैसूर का सबसे खूबसूरत गार्डन माना जाता है, जो पहले कृष्ण राजेंद्र टेरेस गार्डन के नाम से जाना जाता था। इस खूबसूरत गार्डन को श्रीनगर के शालीमार बाग जैसा बनाया गया है। पर्यटक यहाँ पर फूलों के बागीचे, घास के मैदान, झरने और तालाब को देख सकते हैं, साथ ही साथ इस खूबसूरत तालाब में बोटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ रात्रि के समय पे होने वाले म्यूजिकल फाउंटेन को भी देख सकते हैं। और नंबर वन पर है मैसूर पैलेस। मैसूर का यह शानदार पैलेस विश्व के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक गिना जाता है। साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे 31 अवश्य घूमने जाने वाली जगहों में शामिल किया है। मैसूर का यह भव्य महल एक समय पे मैसूर के शाही वाडियार परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, जो वर्तमान में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अंबाविलास महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी भव्यता और खूबसूरती मैसूर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर मौजूद संग्रहालय में शाही वस्त्रों, छायाचित्रों और शाही गहनों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ पर्यटक रात्रि के टाइम पे होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देख सकते हैं। दशहरा के दिन इस महल में शानदार उत्सव मनाया जाता है।